हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछला वीडियो गणित विषय से लाभ या हानि को पढ़े थे, जिसमें हम उसके बेसिक नियम को समझाने का प्रयास किए थे कि वास्तव में लाभ और हानि होता कैसे है और क्यों होता है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं इसी अध्याय से, कुछ समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो एक बार फिर वीडियो को पूरे मन से देखें और समझें। दोस्तों, जैसा कि खबर चल रही है कि जेल प्रहरी कि वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है, नवंबर में इसके परीक्षा हैं। तो दोस्तों, जो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के संबंध में तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, नियमित रूप से देखें, क्योंकि दोस्तों इस मुश्किल घड़ी में ऑफलाइन क्लासेस कर पाना संभव नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना इतना खतरनाक स्थिति में आ गया है कि हम सबको गैदरिंग करना एक मुश्किल काम है, जिससे हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इस वजह से दोस्तों, हमें अपने घर से ही अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी परीक्षा के संदर्भ में तैयारी जारी रखें। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे वीडियो को देखें। हम उम्मीद दिलाते हैं आपको, निश्चित रूप से ही हम आपके परीक्षा के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम कुछ प्रश्न बोर्ड लिख के रखे हैं, उन प्रश्नों पर आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इधर मैंने एक प्रश्न लिख कर रखा है, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ के रखा है प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक, अब देख रहे होंगे कि प्रश्न ज़्यादा जगह में लिखा हुआ है और हल छोटे जगह में लिखा हुआ है। दोस्तों, हो जाएगा, उम्मीद मानिए इतने जगह में हो जाएगा। दोस्तों, इधर पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सामान्य प्रश्न दोस्तों, सीधे से समझ लीजिए। हम बताएं, जैसे कि पिछले वीडियो में देखिएगा, किसी भी वस्तु का जितना क्रय मूल्य होता है वो उसका 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। दूसरी लाइन, जो भी लाभ या हानि होता है वो क्रय मूल्य के आधार पर होता है। यदि क्रय मूल्य से अधिक जा रहा है तो लाभ होगा और क्रय मूल्य से कम हो रहा है तो हानि होगी। दूसरी बात, क्रय मूल्य को 100% मानते हुए या होता है उससे जितना परसेंट अधिक हो रहा है वही लाभ है और विक्रय मूल्य जितना परसेंट कम हो रहा है 100 से वही हानि है। दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारे एक में दिया हुआ है, एक साइकिल को 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सामान्य सी बात करें दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100% + 16%, मतलब 116% है ना। क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, मतलब एक नंबर 750 = 100%, तो 116% बराबर परसेंट मार्क। दोस्तों, जैसा कि हम जब जानते हैं कि बीच में बराबर है तो त्रिगुणा हो जाएगा। ठीक, त्रिगुणा दोस्तों होगा तो ए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब पांच के टेबल में 5 × 2 = 10 और 15 × 5 = 75। अब 2 से काट दिया जाए, 2 + 1 = 2, 5 × 2 = 10 और
8 × 16, अब 58 और 15 गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 15 × 8 = 120 की 0 हाथ के आया 12, 15 × 5 = 75, 75 और 12 जोड़ दीजिए 75 + 85 = 287, 870 रुपये ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही सलूशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक लाइन का सलूशन है बस हो गया। जब किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, ऐसे 10% का लाभ होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 10% का लाभ होता है, ठीक ना, 40 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, लाभ होता है, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक दोस्तों, सीधे सीधे बात करें, जब किसी वस्तु को 40 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य अगर परसेंट में बात करें, विक्रय मूल्य परसेंट में, तो 100 + 10 = 110% है ना। अब बात करें कितना विक्रय मूल्य 40 रुपये है, तो 110% = 40 रुपये, क्रय मूल्य हमेशा हमेशा 100% होता है, या 100%। और क्वेश्चन मार्क दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 × 11 = 44, और ये 4 का गुणा हो गया, तो 10 × 4 = 40 रुपये, ये अपना आंसर हो गया एकदम आसान से तरीकों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, सीधे बात कर रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? उसी वस्तु को अगर 450 में बेचा जाए तो 20% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? एकदम साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस समय समझने की थोड़ी सी देर है। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब विक्रय मूल्य की बात करें तो 100% - 20% क्योंकि हानि हो रही है, अर्थात 80% है ना। और नया विक्रय मूल्य चाहिए क्या? नया विक्रय मूल्य 20% लाभ चाहिए, मतलब 100 + 20 = 120%, ठीक। पहले विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपये, नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 450 = 80% चाहिए, कितना? 120%, तो 120% बराबर क्वेश्चन मार्क दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 4 × 8 = 12, 1 काटें, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, यहाँ 1 बज गया 25, 2 × 5 = 10, अब तीन गुणा कर दिए, 2 × 2 = 5 × 3, 5 × 3 = 15, हाथ किया है 1, 5 × 2 = 10 = 11, 5 × 2 = 11, मिस्टेक कर गए, 5 × 3 = 5 हाथ किया है 1, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, और 3 × 2 = 6, तो 675 रुपये आपका आंसर हो गया, 675 रुपये, ठीक दोस्तों। ये जो सोल्यूशन किया हमने, इन सोल्यूशन को आप लिख लीजिए या आप पूरे क्वेश्चन सेट ले लीजिए, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करते हैं हम, ठीक, हल करते हैं, चलिए बाकी मिटाते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, ठीक, ये तो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदा, जिसमें 20 संतरे सड़े निकल जाते हैं,
वह प्रति संतरा किस भाव से बेचे कि 25% का लाभ हो। साधारण सी बात करें दोस्तों, उसका क्रय मूल्य बात करें, क्रय मूल्य 80 रुपये है, परंतु संतरा उसे 100 मिल रहा है। फिर उसे संतरा जो है 100 में से 20 संतरे सड़ निकल गए, मतलब संतरा उसके पास बचे कितने, बचे संतरे 100 - 20 = 80 संतरा, अर्थात उसका एक संतरा प्रति संतरा भाव, प्रति संतरा क्रय मूल्य 80 रुपए में 80 पीस 80 संतरा, उस तो एक पूरा कट गया 1 रुपए में 1 संतरा, एक क्रय मूल्य हो गया। अब बोला है कि प्रति संतरा कितना बेचे कि 25% का लाभ हो, अर्थात 1 रुपए = 100%, 25% का लाभ मतलब 125% हुआ। दोस्तों यहाँ कोई मतलब नहीं, 2 जीरो है तो वहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 1.25 रुपये या कोई राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 350 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इसको हम एक नए तरीके से समझते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ए लाइन समझ ले हम, ठीक ना, ए लाइन अपनी सी पी लाइन है, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, मतलब इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, प्लस माइनस मतलब हानि, प्लस मतलब लाभ, ठीक। सी पी क्या आपने फाइंड करना है, पहले कैसे क्या बेचा 450 रुपये में बेच रहा है, मतलब 450 यहाँ बेच रहा है माना, ठीक ना, 450 रुपये में बेच रहा है, दूसरे को 320 रुपये में बेच रहा है, 320 में बेच रहा है, 320 में बेचने में हानि हो रही है इसलिए सी पी से कम है, 450 में लाभ हो रहा है सी पी से अधिक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपये बेचने से हुई हानि से 20-30 रुपये अधिक है। हम मान ले कि यहाँ से यहाँ की जो गैप है, ये जो दूरी है, इसके रुपए 100 रुपये है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की जो गैप होगा क्या होगा, 130 रुपये अधिक है, मतलब कितना गैप हो गया, 100 + 30। अब दोस्तों कुल गैप अगर बात करें, हम यहाँ से यहाँ की बात कर पहुँचे हैं, कितना आ जाएगा, 100 + 30 अर्थात 2x + 30, ठीक। अगर रुपए में बात करें, यहाँ से यहाँ गैप में बात करें दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पहुँचो कितना आ रहा है, 450 - 320 बराबर कितना आ गया, 0, 5 - 2 / 3 120 - 130 रुपये, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ गैप कितना है, 130 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछा दोस्तों, ठीक, तो 130 = 2x + 30, ठीक, क्योंकि ए रुपये में अंतर है और ए एक्स में अंतर है। दोस्तों अब हम अपना पुराना नियम लगा के पक्षांतर कर देंगे, एक्स के तो संगे संगे तरफ, तो 130 - 30 = 2x, तो 100 = 2x, तो 2×1=2, 50 × 2 = 100, मतलब एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, एक्स बराबर कितना आ गया, 50। अब इसमें एक सी पी निकालना है, 320 रुपये में था हानि हो रहा था, कितना हानि हो रहा था, 100 रुपये, तो 320 + 50 = 370 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हॉल करने का प्रयास किया था और आपने समझा होगा उम्मीद करते हैं। तो इसे इतने ही करते हैं, अगला वीडियो लेकर आएंगे, इसमें कुछ और प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे जिससे आपकी समझ क्षमता विकसित हो। तब तक दोस्तों धन्यवाद, हमें इजाज़त दें।